पहले तो अच्छा, इतनी ब्यूटीफुल लेडी आपके पास करीब खड़ी है, कुछ तारीफ? तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने ये चोटी बनाई? दीदी, सीमा दीदी। और आपकी जो चोटी है इसकी पूंछ को क्या हुआ? Where is the पूंछ? हमने काट दी। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया, पर आपने ये इतनी बड़ी चोटी क्यों लगाई है? क्योंकि मैं प्रिंसेस बनी। कौन सी प्रिंसेस? रैपंज़ेल। हाँ, रैपंज़ेल। अच्छा, तो अब आप इसके बाद क्या डांस करने वाले हो? हाँ। कौन सा डांस करोगे? इशक ज़ादे। पब्लिक को बताओ, मुझे तो पता है। मैं बता चुकी हूँ। तो ये जो खूबसूरत सी लेडी है, ये मेरे सर पे बैठ करके इशक ज़ादे करने वाली है। मजा करो। हाँ, एक्चुअली सर पे बैठ कर, मुझे सर पे, कंधे पे बैठ, कंधे पे बैठ कर। ठीक है, लड़का वर्सेस लड़की का कॉन्सेप्ट है, कितना अट्टाशनबाजी होती है आप दोनों? कुछ नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग तो फुल यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नच बलिए में इतना फाइट कर लिया, इतना मतलब कॉम्पिटिशन कर लिया ना, कि अब बस हो गया यार। 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, अभी ब्रेक चाहिए, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे स्टेज पे डांस करते करते एक दिन। बस यार, अभी हो गया कंपटीशन, ठीक है, जो जीतेगा, जो डिजर्विंग होगा जीत जाएगा, अच्छी बात है, डिजर्विंग को जीतना भी चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही मस्ती करते करते घर चले जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग, हमारा फिनाले है और लास्ट एक्ट कर रहे हैं, वही एक्ट जो हमने एलिमिनेशन के टाइम पर नहीं कर पाए थे। जब हम एलिमिनेट हुए तो ये हमारा एक्ट था, सेकेंड एक्ट था। तो हमने सोचा था कि कभी मौका मिला तो ये एक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत पसंद आया था। सो टुडे वी आर डूइंग इट, एंड आई वी होप कि सबको पसंद आएगा। पर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं, लड़का वर्सेस लड़की? अरे नहीं यार, क्या लड़का वर्सेस लड़की शो बनाया है, ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है। कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, जब डांस की बात आती है तो डेफिनेटली जब सोलो सोलो के कंपटीशन होता है तो फिर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्म करो, लेकिन ये नहीं लगता कि यू नो इनको हराना है या इनको बीट करना है, अपना अच्छा करना है। मेरी तो हमेशा से यही थॉट रही है, जितने भी कॉम्पिटिशन किए मैंने, अपना अच्छा करो और दूसरे के लिए भी अच्छी विश करो, सबको अच्छा करने दो, सब मेहनत करते हैं, थोड़ी ना कि आपको जीतना है तो दूसरे का डांस बिगाड़ दो, है ना? हाँ, ठीक है। आप दोनों लाइक काफी टाइम से डेट कर रहे हो, तो प्यार का एक पहलू होता है रूठना मना, तो अगर चार्ली रूठ जाएगी तो आप तुम्हें कैसे मना? चार्ली को रूठना मैं मनाना बहुत आसान है, मैं जाकर उसको गोदी में बिठा देता हूँ और उसको ऐसे बच्चे की तरह को तो ऐसे हंसने लगती है, हो जाता है सॉल्व। और मेरे टाइम पे तो मतलब इसको समझ में भी नहीं आता कि मैं नाराज़ हूँ। अगर मैं नाराज़ हूँ ना तो थोड़ा अपने बाल बाल जमाएगी, कपड़े दिखेगी, फिर उन्हें चली जाएगी, फिर बाद में तुम नाराज थे? नहीं नहीं, मैं जब ये नाराज़ होता है तो मैं एक्चुअली से बात नहीं करती, क्योंकि इसे बहुत कम गुस्सा आता है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, और जब आता है तो वो इतना बुरा होता है ना कि मेरे को सीरियसली डर लगता है। मतलब अपने डैड के बाद आई थिंक ही इज द ओनली वन, शिव जी की तीसरी आंख है, खुल गई तो मतलब मैं सच में डैड के पास सिर्फ तुम हुआ जिससे मैं डरती हूँ। वो बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे देखेगा, अगर अमर कुछ ऐसा करता फिर मैं कह इससे पहले मैं हंसू तो मैं निकल जाती हूँ, मुझे डर लगता है। तो आप मनाते नहीं अमर को? नहीं, पहले मैं ठंडा होने की नहीं, कॉमेडी करती है पहले, मैं ही हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व हो जाता है। चार्ली, प्यार में हमेशा लड़कियां चाहती कि लड़के उनके लिए गाना गाए, तो ऐसा कोई एक गाना है जो आप चाहती कि अमर आपके लिए गाए? मैं बहुत बेस हो रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। कोई भी गा लो, अगर मैं बताऊँगी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा ना। मैं इसका गाना गाता हूँ जो मुझे बहुत सुनाती थी, वही गाना गाता हूँ। हो जब सामने तुम आ जाते हो, ना जानिए क्या हो जाता है, ब्लश करके सामने और भी लोग करें। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। बहुत गंदा गाता हूँ, सॉरी यार, बहुत गंदा सिंगर हूँ। आप दीजिए। मैं तो कितना बड़ा थैंक यू लिख के भेजूँ मुझे वो नहीं पता, या कितना बड़ा थैंक यू बोलूँ मुझे वो नहीं पता, बिकॉज इतना आई मीन इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। आई एम लाइक रियली शॉक्ड अमर की फैन फॉलोइंग देख के, मेरे को सीरियसली एक्चुअली मुझे पता था इसके फैंस है, बट इतने मतलब अभी तक, एक तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है बस, अब तो मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, मैंने इसके लिए इतना कुछ नहीं किया जितने इसके फैंस कर रहे हैं। मैंने लाइक इट्स सो गुड टू सी, थैंक यू गाइज, रियली इट मीन्स अ लॉट। आप जो भी उससे उसके लिए करते हो, मुझे उससे दुगनी तिगनी खुशी होती है वो सब कुछ देख के। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग। थैंक यू गाइज, बिकॉज एज यू ऑल नो आई लव यू ऑल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यार से मिलता है जब, तो आई एम हैप्पी अगेन एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग।